बेहन बीफ शॉप जिंदाबाद नरेश भाई बराबर काचर और प्रचार करो, वोट मांगो, वोट देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा। लेकिन तुम जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? बीफ शॉप जिंदाबाद 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो, तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप? यहाँ के मुसलमानों को गरीबी हटो पहले, ये भड़काऊ भाषण बंद करो आप। दोस्तों मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ दो सवाल। पहला कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को गौ माता की फोटो देखने के बाद में रेहान बीफ शॉप से नहीं पूछना चाहिए था कि गौ की फोटो बीफ शॉप पे क्यों लगाई? और दूसरा, काटते रहो से क्या असदुद्दीन ओवैसी ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई? और आज इस डिबेट पे मेरे साथ में दोस्तों प्रत्युष कांत, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, विनोद बंसल, वीएचपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, दानिश कुरैशी, AIMIM के सीनियर लीडर, अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर, किशोर तिवारी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, शिवसेना उद्धव गुट के नेता। मैं सबसे पहले दानिश कुरैशी के पास आना चाहता हूं, प्रत्युष कांत जी के पास आना चाहता हूं। दानिश कुरैशी जी, मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति जिसके दिल में मानवता हो, कोई भी व्यक्ति जो संविधान में विश्वास रखता है, वो जब देखेगा एक बीफ शॉप में गौ की फोटो है, गौ माता की फोटो है, तो पहले सवाल पूछेगा उससे कि तुमने बीफ शॉप में गौ माता की फोटो कैसे लगाई? असली भाईचारा इसी में है। क्या असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए जिंदाबाद रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए कि किस तरीके से काटते रहो, क्या हिंदुओं की भावना का अपमान नहीं कर रहे? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको कहूँ, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, मैं अपनी बात खत्म कर लूँ। सवाल ये है कि मेघालय के बड़े नेता और जो है वहाँ के चीफ जो है स्टेट के, वो कहते हैं नो वन कैन स्टॉप बीफ, तो भारतीय जनता पार्टी की भावना आहत नहीं होती? इलेक्ट्रोबॉन्ड से पैसे ले लेते अलाना जैसी कंपनी से, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती? गोवा में जाके कहते हैं कि अच्छा सा बीफ हम मीट वो करेंगे, आपको आपको भाजा कराएंगे, तब उनकी भावनाएं आहत नहीं हो जाती? दिक्कत क्या है कि ये आपके वक्ती तौर की जो आपकी भावनाएं है ना, कि आप जो है मीट कंपनियों से इलेक्ट्रोबॉन्ड पैसा भी वसूलते हैं और उसके बाद जाकर आवाम के बीच में जाके भावनाओं की बात भी करते हैं, ये दोहरे मापदंड जो है ना भारतीय जनता पार्टी के, ये आवाम के सामने खुलेगा। आपको मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, और मैं प्रत्युष जी जरा एक बार, मैं वो वीडियो को जरा इसी फ्रेम में रहते हो वीडियो को सुनाना चाहता हूं, हम समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। दानिश जी, आपको समझ में नहीं आया सवाल, में वापस से वो वीडियो जरा एक बार देखिए, दर्शकों को वीडियो सुनाइए जरा, इसी फ्रेम में वीडियो जरा सुनाइए जी, ये देखिए आप वीडियो सुनाइए। सुना आपने प्रत्युष जी, गौ माता की फोटो देखी, बात सिर्फ बीफ की नहीं है, बात है गौ माता की फोटो देखने के बाद रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद नारे, वो फोटो देखी और फिर बीफ शॉप जिंदाबाद के नारे लगाए, तो क्या उन्होंने जानबूझ के अपने मुस्लिम वोट को एकजुट करने के लिए इस तरीके से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया? आपने इंटरप्ट नहीं किया था, अलाना कंपनी में क्या शाकाहारी माल एक्सपोर्ट होता है? गौ गौ एक सुनिए, काउ मीट बैंड है, काउ मीट बैंड है, थोड़ा करके आइए प्रत्युष जी। नहीं, कहां काउ मीट बैंड है? अरे नॉर्थ ईस्ट में तो आपका स्टेट प्रेसिडेंट कह रहा है, और सुनिए भैया,
अरे किरण रिजिजू क्या कहते हैं, किरण रिजिजू का स्टेटमेंट सुनाओ आप तो। अरे थोड़ा पढ़ के आइए प्रत्युष जी, ये थोड़ा पढ़ के कम आए आज, दानिश कुरैशी पढ़ के कम आए। मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, मैं आपको ऑफिशियल दिखा दूंगा, मैं भी डॉक्यूमेंट मंगवा लूंगा। अब सुनिए मेरी बात, देखिए दानिश जी, दानिश जी ज्यादा फुटेज मत लीजिए। मैं बोलूं दानिश जी ज्यादा फुटेज मत लीजिए, चार बार एक पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं। मेरा पॉइंट है गौ माता की फोटो देखने के बाद रेहान बीफ चॉप जिंदाबाद बोला गया। प्रत्युष जी देखिए कितने दुख की बात है कि ये जो है कहते ना टीज करना, आज हिंदू जो मेजॉरिटी है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये जो नेता लोग हैं, और ये सिर्फ अकेले नहीं हैं, बहुत लंबी लिस्ट है इनकी, वो जाके जिस तरह की बात करते हैं काटते रहो और लोग पीछे हंसते हैं, ये दिखाता है कि सिर्फ इलेक्शन और वोट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ये। दूसरी बात, जो आदमी बोलता है कि पुलिस हटा दो तो मैं सबको साफ कर दूंगा, उसकी मानसिकता दिखाता है, और जो आदमी बोलता है कि मैं औरंगजेब मेरा आइडियल है, आदर्श है, उसकी मानसिकता दिखाता है। बट मैं भाई आपको ये बोलूंगा कि यही नहीं, आप देखिए ममता बनर्जी क्या कर रही है वेस्ट बंगाल में, सेम काम कर रही है ना, वोट का बात कर रही है, संदेश खाली में गुंडे के लिए आदमी भेज देती है, बोल रही है ईद बड़ा पीसफुल फेस्टिवल है, रामनवमी जो है ना उसमें बड़ा हुरदंग होता है। आप क्या बात कर रहे हैं, बेचारा हिंदू मेजोरिटी, आप मान हिंदू हैं, वहां कर्नाटक में तीन बच्चे रामनवमी के दिन बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम, हम लोग तो बचपन से बोलते आए हैं, मैं बिहार से आता हूं, मिलता बोला जय श्री राम। आप उसको इतना मारा गया कि हॉस्पिटल में चले गए, वो आपके यहां ब्लास्ट होता है कर्नाटक में, उसके पहले कांग्रेस सरकार बोल देती नहीं बड़े इनोसेंट लोग हैं ये, पुलिस को जोड़ने के लिए। इसका एक लंबा प्रियंका गांधी कहां से शुरू करती है सर, अपना वो सहारनपुर से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से शुरू करती हैं। आप क्या कर रहे हो, राहुल गांधी को देखिए आप, घूम घूम के हर जगह बोलते हैं कि ये तो हिंदू लोग ऐसे कर रहे हैं और देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं मुस्लिम्स को। हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, गैस सबको मिलेगा, टॉयलेट 12 करोड़ घर में सबको बनेगा, पूछेंगे नहीं हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है, सबको सब कुछ जाएगा। गरीब जो है उसके लिए प्रधानमंत्री खड़े हैं, युवा जो है उसके लिए प्रधानमंत्री खड़े हैं, सबके लिए प्रधानमंत्री खड़े हैं, हमारे महिलाओं के लिए खड़े हैं। राहुल गांधी क्या करते हैं, शक्ति को गाली देते हैं, बोलते हैं कि शक्ति मेरा क्या है? कहना ये है, क्या बोलते हैं कि मेरा कहना प्रत्युष जी शक्ति है हमारे लिए। प्रत्युष जी।